हे hey फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल सरिता झा के रेसिपी एंड ब्लॉग्स में। तो आज मैंने आप सबके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके का एक हेल्दी नाश्ता लाई हूँ, जो आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो, शाम के चाय के साथ आप खुद भी खा सकते हो, औरों को भी खिला सकते हो, मेहमान को भी परोस सकते हो। तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आलू उबली हुई लिया है मैंने, उसमें मैंने कुछ मसाले डाल दिए थे, जैसे मिर्च, अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, तो मैं दिखा नहीं पाई। और ये पत्ता गोभी का मैंने ये छुरा लिया है, एक एक पत्ता। तो इसको सबसे पहले थोड़ा क्या करना है, हमें आँच लगाना है। तो ये कढ़ाई में मैंने इस तरह से इसको फैला दिया है ताकि वो हो जाए। और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देना है, पानी डाल के इसको ढक देना है सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो चलिए इसको मैं ढक देती हूँ। तो ये 2 मिनट हो चुका है, तब 2 मिनट के बाद देखते हैं। और 2 मिनट के बाद देखना नहीं है, गैस बंद करके इसको निकाल देना है, क्योंकि हमें जितना कुक करना था इसको ये हो चुका है। थोड़ा सा हमें इसको करना था। तो ये देखिए, अब ये लिया है हमने ब्रेड। तो सबसे पहले ब्रेड को क्या करना है, इसकी साइड की काट के हमें हटा देना है। तो चलिए मैं काट लेती हूँ। बच्चों को भी आप ज़रूर बना के खिलाएं, उनके टिफ़न बॉक्स में ज़रूर डाल, वो शौक से खाएंगे। तो देखिए सारे मैंने कट कर लिया है। तो अब इसको भी मैं बर्बाद नहीं होने दूँगी, इसको मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। और कढ़ाई में इसको बिल्कुल बिना तेल के इसको कुरकुरे करने हैं, कुरकुरे बनाने हैं। तो इसको धीमी आंच पे कर दिया है मैंने। तो चलिए ये ब्रेड जो हमने लिया है इसको हमें क्या करना है, बेलना है। इसको हम बेल लेते हैं, बेल के इसको पतला करना है बिल्कुल। तो तब तक वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये देखिए सारा मैंने बेल लिया है। तो चलिए अब चलते हैं इसके तरफ। तो ये भी हमारा रोस्ट हो चुका है, तो अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब निकाल के इसको इतना हमने कुरकुरा कर दिया है, जो इसको हाथ से हमें यूँ इस तरह से मसल के इसका बिल्कुल चूड़ा बना लेना है हमें। और जो मोटे मोटे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, ये आलू का चोखा जो था जिसमें हमने सारे मसाले डाले थे इसी में डाल देंगे। बस हमें चूरा रखना है उसका। तो ये मोटे मोटे हम निकाल देते हैं। तो अब इसका हम चोखा बना लेते हैं सारे का। धनिया पत्ता भी मैंने काट के डाल दिया है, मिर्च अगर बच्चे पसंद करते हैं तो आप डालें, नहीं तो स्किप कीजिए। तो अब इसको अच्छे से मसल लिया है मैंने। तो चलिए अब बनाते हैं। तो ये लिया है हमने, इसके ऊपर हम जो पत्ता गोभी को वो करे थे, थोड़ा सा नमक भी डाल देना पानी में पत्ता गोभी वाले में। तो इस तरह से हम इसको बना के इसको हमें रोल करना है। तो इसको रोल करने के बाद हमें, तो रोल अगर आपसे ऐसे ना हो तो आप एक सीख इसमें घुसा दीजिएगा ताकि आपका ये निकले ना। और नहीं ऐसे हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ना हो तो आप सीख डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से करना है। बाकी का पत्ता गोभी बचे तो पत्ता गोभी से भी आप ऐसी रोल बना लीजिए, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। तो गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूले, आप लाइक करना भूल जाते हैं हर बार। तो अब ये बेसन का घोल बना लिया था मैंने, जिसमें नमक, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी मिर्च पाउडर डाला था। तो उस घोल में ऐसे करके निकाल के और फिर ऊपर से ब्रेड के चूड़े में लपेट के इसको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए फ्राई हो चुका है, धीमी आंच पे हमें सेक रहे हैं इसको ताकि ये अंदर तक सिक जाए अच्छे से। यकीन मानिए बच्चे बड़े शौक से खाएँगे ये। तो ये देखिए ये पत्ता गोभी वाला है मेरा। तो आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।